और अब बात कर लेते हैं दीपावली की, जिसके आते ही जगह जगह मेले लगने शुरू हो जाते हैं। दिल्ली में भी सेवा भारती द्वारा सेवा दर्शन मेले का आयोजन किया गया है। इस मेले के जरिए सेवा भारती में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले गरीब बच्चों द्वारा बनाए गए स्वदेशी उत्पाद भी अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। दीपावली के आगमन पर पूर्वी दिल्ली के विवेकानंद योगाश्रम में सेवा दर्शन मेले का आयोजन किया गया है। सेवा भारती द्वारा आयोजित इस मेले में सेवा भारती में पूर्वी दिल्ली के 28 केंद्रों से करीब 500 से ज्यादा गरीब बच्चे हिस्सा ले रहे हैं, जिनके बने उत्पाद भी यहां आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इनमें चाहे मोमबत्ती हो या फिर सजावटी सामान, ये सब हर किसी के मन को भा रहा है। मेले के जरिए इस दिवाली केवल स्वदेशी उत्पादों का इस्तेमाल करने की बात पर बल दिया गया है। ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी उत्पादों को अपनाएं, क्योंकि स्वदेशी को यदि आप अपनाओगे, इन उत्पादों को जो गरीब फैमिलियों के लोग मेहनत करते हैं, उनकी मेहनत सफल होगी। सबसे पहले तो हमारे देश का पैसा हमारे देश में ही रहेगा, जिससे कि हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था बहुत मजबूत होगी। तो मेरी सभी से ये अपील है कि यहाँ पर जो यहाँ पर लोग आए हुए हैं, और इसके बाद भी कोई लोग कहीं से भी यदि खरीदते हैं, तो स्वदेशी उत्पादों को खरीदें और देश की तरक्की में भागीदारी दें। इस मेले के साथ ही यहाँ भजन प्रतियोगिता, नृत्य प्रतियोगिता, चित्रकला, मैजिक शो, व्यवसायिक स्टॉल और मनमोहक झांकियों का भी प्रदर्शन किया गया है। सेवा भारती बेसहारा और गरीब बच्चों को संस्कारी बनाने के साथ साथ स्वावलंबी बनाने में भी अपनी अहम भूमिका निभा रही है। ब्यूरो इनपुट्स के साथ गिरीश निशाना की रिपोर्ट, DD News, दिल्ली।